मैं दीपक भदौरी सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। और चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दो राउंड कंप्लीट हो गए दोनों मिलाकर। अभी तक कांग्रेस के राजमन बेंजाम को मिले हैं कुल मिलाकर 7119 मत, वहीं भाजपा के अश्वराम कश्यप को मिले हैं कुल 5319 मत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 1900 मतों से आगे चल रहे कांग्रेस के राजमन बेंजाम। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट के दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राजमन बेंजाम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लक्ष्मीराम कश्यप को मिले हैं 5219 मत। 19 मतों से यहां पर 1900 मत हैं जिससे वो कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए 7119 मत उनके पक्ष में है। और संबंधित हमारे साथ जुड़ गए चित्रकूट से आशुतोष तिवारी। आशुतोष, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, इस वक्त दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और जिस तरीके से बीजेपी के लक्ष्मीराम है वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जी देखिए, प्रथम राउंड से ही जो कांग्रेस है वो आगे चल रही थी और सेकेंड राउंड के यहाँ पर जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, तीसरे राउंड चल रहे हैं। सेकेंड राउंड में जो बढ़त बनाए रखे हैं वो 1900 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजमन बेंजाम लक्ष्मीराम से आगे चल रहे हैं और बिल्कुल ये प्रथम राउंड से ही लीड करते आ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 2018 विधानसभा में 17,000 वोटों से कांग्रेस के दीपक बैज ने लीड करके जीता था, वहीं ये भी दूसरा बार यह बिल्कुल बताया जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा लीड से यहाँ पर जीतती नजर आएगी, क्योंकि सेकेंड राउंड में भी यह बढ़त लगातार बढ़ते ही जा रहा है और 1000 वोटों की यहाँ पर फर्क नजर आ रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ चित्रकूट विधानसभा सीट जीतती नजर आ रही है। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से देखा जाए कि पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक जो विश्लेषक जो एक लक्ष्य साध के चल रहे थे, एक इमेजिनेशन उनके दिमाग में चल रहा था और जो जिस तरीके एग्जिट पोल आए थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी दूसरा राउंड हालांकि शुरू हुआ है 17 राउंड होने। जी बिल्कुल, दो राउंड खत्म हो गया है और जो एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है और जो चित्रकूट विधानसभा है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि दीपक बैज काफी लोकप्रिय रहे हैं और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ पर वोटर्स हैं, वो काफी पसंद करते हैं दीपक बैज को, क्योंकि युवा नेता भी थे और उन्हीं का जीवन आधार जो बना हुआ है चित्रकूट विधानसभा में, वो फायदा जो राजमन बेंजाम है उनको यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि दावा किया था कांग्रेस ने कि हम 20,000 लगभग से लीड करके हम विधानसभा सीट जो चित्रकूट का है वो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर साबित होता नजर आ रहा है। और एक और यहाँ पर दावा किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि बीजेपी जो है वो बस्तर मुक्त बीजेपी बनाया जाएगा, तो बिल्कुल ये सही साबित होता नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी के हाथ से चित्रकूट विधानसभा सीट चले गया तो बस्तर में भाजपा मुक्त हो जाएगा। चलिए आशुतोष, पूरे चुनावी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखिएगा।